हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, पहलाक, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हो गया है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे पतिदेव और मैंने रखे हैं नवरात्रि के 9 दिन के व्रत। किस विधि से मैं पूजा अर्चना करूँगी, कैसे कैसे मैं कलश और अखंड जोत जलाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय माता दी। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तांबे का लोटा अच्छे से साफ करके उसमें मैंने रोली से बनाया स्वास्तिक। उसके गले पे मैंने कलेवा लपेटा। उसके बाद कलेवा लपेटने के बाद मैं डालूंगी पानी वगैरह। तो इसके बाद मैंने नारियल लिया, नारियल में भी मैंने स्वास्तिक बनाया और स्वास्तिक। उसके बाद मैंने नारियल पे चुन्नी लपेटी। कई कई लोग कलेवा भी लपेटते हैं, लेकिन मैंने चुन्नी लपेटी। और यहाँ पे मैंने चावल से अष्ट कमल दल बनाया, जिसके ऊपर मैं अपना कलश रखूँगी, क्योंकि कभी भी कलश ऐसे नहीं रखते हैं, उसके ऊपर अष्ट कमल दल या आप कुछ और भी रख सकते हो। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लाल कलर का कपड़ा पहले बिछा दिया था पूरे मंदिर की सफाई करने के बाद। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वारे के लिए भी चावल बिछाए और उसमें भी वही अष्ट कमल दल बनाए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ज्वारे भिगाए थे, और भिगाने के बाद सही रहता है, क्योंकि भिगाने के बाद एकदम हमारे ज्वारे उग जाते हैं। यहाँ पे मैंने अखंड जोत जलाए। अखंड जोत में भी मैंने स्वास्तिक बनाया था, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ होता है, इसलिए मैंने अखंड जोत पे हो गया, कलश पे हो गया, सब पे स्वास्तिक बनाया था। सभी वीर सभी दुर्गा माता की पूजा की और टीका चंदन किया उनको। ऊपर मंदिर था, मंदिर में भी मैंने पूजा वगैरह की। फिर उसके बाद मैंने अपना नव दुर्गा की कथा पढ़ी और भजन वगैरह गाए। गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे पति देव का भी व्रत था, तो उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि ड्यूटी काम ही सबसे बड़ा होता है, इसलिए वो पूजा में नहीं रुक पाए, इसलिए मैंने अकेले ही पूजा की। और शाम को जब वो आएंगे तो साथ में हम दोबारा से पूजा करेंगे। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है, पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर पुत्री के रूप में उसे उत्पन्न होने के कारण शैलपुत्री का नाम पड़ा था। बिरसा स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा महत्व के सब पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा की जाती, उपासना की जाती। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, यहीं से इनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पूजा अर्चना सभी मैंने समाप्त कर ली है। अखंड जोत हमारी जल रही है और इसमें मैंने ये शीशे का कवर लगा रखा, ताकि आजकल हवा वगैरह खूब चलती है, तो इसमें हवा से दिया बुझे ना। अखंड जोत अगर जलाई है तो उस दिए को बुझने से भी बचाना होता है, इसलिए बहुत सावधानी से अखंड जोत जलाएं और जोत को बुझने से बचाएं। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो माता रानी आप सभी की रक्षा करें, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।